14 जून डेथ नहीं हुई है सुशांत की, जहां तक है 13 जून को रात में हुई है 2 बजे के बाद, क्योंकि उनकी सिस्टर का कहना है सुशांत केस के अंदर सिर्फ वही सुशांत और दिशा सालियान नहीं है, इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारे लोगों की डेथ और मर्डर्स हुए हैं सुसाइड बोल के। समीर बांगरा जी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट करवाया गया सेम डे पे, जिस दिन हाँ सो कुछ एविडेंस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी जिस पे बात नहीं हो पाई केस पे, तो मेरा जो ज्यादा वो रहेगा कि सपोर्ट की सुशांत केस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले उसके लिए कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगी। देखिए हमने पूरा केस डिस्कस किया पर रिया चक्रवर्ती के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जबकि उनके ऊपर एनसीबी की कार्रवाई चल रही है, ड्रग नेक्सस के लिए उनका प्रोक्योरमेंट पाया गया था, उनको 10 साल की सजा होनी थी बट आज तक वो फ्री है। एंड देन हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की, जो सुशांत की हार्ड डिस्क थी बताया गया वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर से चले गए थे उनको छोड़ के, तो वो हार्ड डिस्क अपना लेके गए थे, थ्रेटन करके गुंडों को बुला के घर पे हार्ड डिस्क में सुशांत के हार्ड डिस्क सारे वो अपने साथ लेके गए थे। तीसरा ये सुशांत के बहुत सारे काम थे, 3 कंपनीज थी, 3 कंपनीज के बारे में हमें नहीं पता आज के टाइम पे क्या हुआ, एक मेन करेक्टर शोभित चक्रवर्ती को भी हम भूल रहे हैं, उनका भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन था उनकी कंपनीज में, उन्होंने फोर्ज साइन भी किए हुए हैं सुशांत के, उनकी कंपनी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था। देन उनके जो बिजनेस पार्टनर थे समीर बांगरा, तो सुशांत केस के अंदर सिर्फ वही सुशांत और दिशा सालियान नहीं है, इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारे लोगों की डेथ और मर्डर्स हुए हैं सुसाइड बोल के। समीर बांगरा जी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट करवाया गया सेम डे पे, जिस दिन सुशांत की डेथ होती है उसी दिन। इसमें मुझे लगता है NIA की भी रिक्वायरमेंट है जांच करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टनगन का जो इशू आता है, स्टनगन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर से उसको वो किया जाएगा लाइक मंगाया जाएगा या जैसे भी जो टर्म यूज करते हैं। ड्रग का पूरा नेक्सस है मुंबई में, पूरा ड्रग नेक्सस, ड्रग छोटे छोटे बच्चों को हर जगह पे दी जा रही है, ड्रग का जो ये आदि हमारे देश में बच्चों को बनाया जा रहा है, इसका इतना बड़ा जो लॉस है हमारी एक इन्वेस्टमेंट का ही लॉस हो रहा है, जो बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। 14 जून डेथ नहीं हुई है सुशांत की, जहां तक है 13 जून को रात में हुई है 2 बजे के बाद, क्योंकि उनकी सिस्टर का कहना है कि वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे, 2 बजे के बाद उनको कॉल्स की जा रही थी बट वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। जो सारा ये जूस का है, ये सारा एक नाटक है जूस का ढकोसला, कि उन्होंने जूस पिया देन वो बाहर ही नहीं आए, ताला और चाबी, बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो ये सारे कवर होने चाहिए, वो की मेकर आज तक नहीं मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी डेथ हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि अ लाइफ इज लाइफ, चाहे एक छोटे से एंट की हो चाहे हम तो ह्यूमन हैं। एंड देन जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ पिठानी घर पे ही अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते, आज तक उन पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। थैंक यू। मुझे समझ।